एक सुंदर घटना हुई। जब शिव और पार्वती का विवाह होना था, सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, दानव, विकृत जीव सभी आए। तो उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। शिव बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने पूछा, ये क्या बकवास है? क्योंकि बिना उस व्यक्ति के पूर्वजों को जाने आप लड़की को उसे नहीं सौंप सकते। नारद जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली, ये तार वाला वाद्य यंत्र होता है, और वो एक ही सुर बजाने लगे। एक सुंदर घटना हुई। जब शिव और पार्वती का विवाह होना था, तब एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, दानव, विकृत जीव सभी आए। आमतौर पर ज्यादातर शादियों में या सभी शादियों में अगर ये लोग आएंगे तो वो नहीं आएंगे, अगर वो लोग आएंगे तो ये नहीं आएंगे, लेकिन शिव की शादी में हर कोई वहां था, क्योंकि वो पशुपति हैं, सभी पशुओं के स्वामी, तो सारे पशु आए। एक भव्य विवाह, सभी मनुष्य, देवी देवता, दानव, विकृत प्राणी, पिशाच, शैतान, भूत प्रेत, पशु, जीव जंतु, कीट, कीड़े, वो सब आए। एक बड़ा उत्सव था। तो एक असल विवाह समारोह चल रहा था। जब वो लड़की को वर को सौंपते हैं, तो वो आपके पूर्वजों, आपकी नस्ल, आपके माता पिता, आपकी वंशावली, आपके गोत्र और आपके नक्षत्र के बारे में पूछते हैं। आप जानते ही हैं आपके नक्षत्र और ये सब चीजें। तो उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। शिव बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। नारद जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली, ये तार वाला वाद्य यंत्र होता है, और वो एक ही सुर बजाने लगे। वो बार बार पूछ रहे थे। वो जल्दी में थे, क्योंकि शादी संपन्न करने के लिए उनका एक शुभ मुहूर्त था। पर वो उनके पूर्वजों के बारे में पूछ रहे थे, और ये आदमी चुपचाप बैठा था, और वो आदमी बस ऐसे तार को छेड़े जा रहा था। फिर उन्होंने पूछा, ये क्या बकवास है? क्योंकि बिना उस व्यक्ति के पूर्वजों को जाने आप लड़की को उसे नहीं सौंप सकते। आप चुप क्यों बैठे हैं और आप लगातार तार क्यों छेड़ रहे हैं? तब नारद ने कहा, वो स्वयं भू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार ध्वनि में निहित है, और क्योंकि इनकी सभी ध्वनियों पर महारत है, जिसका मतलब है कि सृष्टि पर अपनी महारत से इन्होंने खुद का निर्माण किया, इसलिए ध्वनि ही इनका वंश है, इसीलिए मैं तार को छेड़ रहा हूं। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं। वो पहले योगी हैं। अगर आप पहले योगी हैं तो आप आत्मनिर्मित ही हैं। अब जब हम उन्हें एक योगी कहते हैं, जब हम किसी को भी योगी कहते हैं, तो असल में एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो आत्मनिर्मित हैं।
वो सामान्य किस्मत की ताकतों को उपलब्ध नहीं है, वो कर्म की ताकतों को उपलब्ध नहीं है, वो जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को उपलब्ध नहीं है। उनका जीवन स्वनिर्मित है। कोई भी जो अपने आप एजुकेट हिमसेल्फ अ लिटिल बिट बाय हिमसेल्फ और मैनेजेस टू मेक अ लिटिल मनी बाय हिमसेल्फ, खुद को थोड़ा बहुत शिक्षित कर पाता है या खुद थोड़ा पैसा कमा पाता है, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। आमतौर पर जो लोग खुद को सेल्फ मेड इंसान बताते हैं वो सबसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। जब वो कहते हैं कि वो सेल्फ मेड या स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, तो ये कई तरीकों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक बहुत भारी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अब हम उस संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम बुनियादी जीवन की बात कर रहे हैं। एक प्रक्रिया के रूप में जीवन को जीने के बारे में नहीं, बल्कि एक बुनियादी प्रक्रिया के रूप में उस स्तर पर वो आत्मनिर्मित हैं, वो स्वयंभू हैं। मूल रूप से योग का बुनियादी पहलू है खुद के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया में उतरना जहां आपके शरीर की प्रकृति, आपकी ऊर्जा की प्रकृति, आपकी भावनाओं की प्रकृति, आपके मन की प्रकृति, सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है। लोगों द्वारा सोते समय एक मंत्र जपने की परंपरा है ताकि वो उस बिंदु तक आ सकें, मगर भारत में सुप्रभात होता है। प्रभा का मतलब है भोर या रोशनी। सुप्रभात का अर्थ है, शायद अंग्रेजी में हम इसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आपको गुड मॉर्निंग कहा जाता है शब्दों में नहीं, बल्कि ध्वनियों की एक व्यवस्था द्वारा। आज सुबह जागने का मतलब है कई तरह से पुनर्जन्म। नींद में आपके लिए दुनिया नहीं होती और अब आप फिर से वापस आते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप कैसे बाहर आते हैं, यह आपके दिन के बारे में कई चीजें तय करेगा। आज आपका जीवन किस दिशा में जाएगा ये इससे तय होगा कि आप किस तरह से बाहर आते हैं। तो मुझे यकीन है कि पिछली पीढ़ियों में ज्यादातर भारतीयों ने इस पर गौर किया होगा। जब वो सुबह उठते थे, उनकी दादियां माएं हमेशा शिव या शंभो या हर हरि ऐसा कुछ बोलते हुए उठती थीं। मगर इस स्पंदन में सोने का एक तरीका है, तो आप किस तरह की ध्वनियों में जगते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। वो समय जब आप आधे जगे हुए और आधे सोए होते हैं, अगर आप उसके प्रति जागरूक हो सकें। मैंने जागने की अवस्था से नींद के उस बिंदु के बारे में कई बार कहा है। रात में जब आप नींद में जाने लगते हैं, जागने की अवस्था से नींद तक अगर आप जागरूकता में जा सकें, तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो लोगों द्वारा सोते समय एक मंत्र जपने की परंपरा है ताकि वो उस बिंदु तक आ सकें, मगर शुरू में आप देखेंगे कि आपको मंत्र जपते हुए नींद आ गई, मगर आपको याद नहीं आता कि आप कब सो गए। इस स्थिति तक आने में थोड़ी जागरूकता लगती है, मगर जागना अधिक आसान प्रक्रिया है। इसका महत्व सोने जैसा नहीं है, मगर जागना अधिक आसान चीज है, क्योंकि जागने की प्रक्रिया एक तरह से चरणों में होती है। वास्तव में शांति में जागना सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन अगर आपको संदेह है कि आप सही समय पर जाग पाएंगे या नहीं, तो कम से कम जागने के लिए सही ध्वनियों का इस्तेमाल करें, न कि ऐसा रिंगटोन जो आपको नींद से झकझोर कर उठा दे, वो धीरे धीरे आपको नींद से बाहर ले आए। ये कई रूपों में दिन और जीवन के लिए भी संदर्भ तय कर देगा।
अगर आप कोई वैराग्य मंत्र इस्तेमाल करते हैं जिसे आपने अपने मंत्र के रूप में पहचान लिया है, तो वो आपके जागने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। सहस्रसहस्रादि संवत्सरा पूर्वं नरज्ञान उद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिराज्यं सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठं इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते ज्ञानशृङ्ग वृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्मांगं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायुं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायुं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् शहरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् नागराजधरं देवं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं सप्तऋषिभिर्वन्दितम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् दक्षिणाभिमुखस्थितं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं।